तो दोस्तों इन्फिनिक्स ने इंडिया में रिसेंटली लॉन्च किया है अपना नया स्मार्टफोन एंड दैट इज इन्फिनिक्स 020। और ये जो स्मार्टफोन है काफी बढ़िया स्पेसिफिकेशंस के साथ में लॉन्च किया गया है एंड फेयरली गुड प्राइस पॉइंट पर भी लॉन्च किया गया है। एंड इसके जो स्पेसिफिकेशंस हैं डायरेक्टली चैलेंज करते हैं मोटोरोला की तरफ से आने वाले मोटो G72 स्मार्टफोन को। दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर आपको G99 का चिपसेट मिलता है, दोनों ही स्मार्टफोन में एमोलेड डिस्प्ले है, दोनों ही स्मार्टफोन में 108 का ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। एंड बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं भाई कि 020 परचेस किया जाए या G72 परचेस किया जाए। कुछ लोगों ने मुझसे कमेंट करके भी पूछा भाई कि दोनों में कौन सा लेना चाहिए, एक डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो बना दो। तो हियर वी आर, आज की वीडियो में करते हैं दोनों फोन्स को डिटेल में कंपेयर एंड मैं आपको बताऊंगा भाई कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन किन लोगों के लिए बेटर है। बिना किसी देरी के फटाफट से कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन कंपैरिजन को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट करते हो, लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 700 लाइक्स का, आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन को और हमेशा की तरह कंपैरिजन को स्टार्ट करेंगे दोनों फोन्स के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के साथ में। हैंड्स डाउन विनर यहां पर निकल के आता है मोटोरोला का G72, क्योंकि यहां पर जो बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन है उसके कंपैरिजन में इन्फिनिक्स 020 कहीं भी नहीं टिकता है भाई। ये जो फोन है PMA में एक्रेलिक ग्लास के साथ में आता है बैक में एंड एंटी फिंगरप्रिंट है एंड काफी लाइट वेट है, काफी स्लिम है, पीछे से आपको कर्व देखने के लिए मिलता है तो इन हैंड फील फोन का काफी अच्छा रहता है। एंड ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी यहां पर आपको दी गई है एंड डिजाइन भी जो है फोन का काफी बढ़िया है, काफी गुड लुकिंग स्मार्टफोन है। हालांकि इन्फिनिक्स 020 भी काफी गुड लुकिंग है, यहां पर आपको मेटालिक फ्रेम मिलती है, प्लास्टिक का बैक दिया गया है, मैट फिनिश के साथ में आता है, फिंगरप्रिंट यहां पर भी आपको नहीं मिलते हैं, लेकिन इन हैंड फील जो है इस फोन का उतना कंफर्टेबल नहीं है जितना G72 का है। हाथ में लेते से ही आपको पता पड़ जाएगा भाई कि G72 की बात अलग है एंड इन्फिनिक्स 020 की बात अलग है। हालांकि यहां पर आपको मेटालिक फ्रेम दी गई है, फ्लैट फ्रेम्स है एंड फ्लैट फ्रेम्स होने के कारण जो इन हैंड फील है उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहता है। एंड डिजाइन की अगर बात करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं भाई दोनों फोन गुड लुकिंग है लेकिन G72 जो है वो थोड़ा सा एस्थेटिकली बेटर लगता है। सो मेरे हिसाब से बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन की अगर बात करें डेफिनेटली G72 की बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन काफी अच्छी है। प्लस दोनों में आपको प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलती है, दोनों में गैस्केट वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाते हैं ओपनिंग्स में, लेकिन IP52 की रेटिंग मिलती है G72 के साथ में, लेकिन यहां पर कौन सी रेटिंग दी गई है ये नहीं बताया गया है। सो मेरे हिसाब से बिल्ड क्वालिटी के मामले में G72 बेटर है। नाउ डिस्प्ले की अगर बात करेंगे तो G72 में आपको 6.6 इंचेस का डिस्प्ले दिया गया है, फुल एचडी प्लस का रेजोल्यूशन है, 10 बिट का पीओलेड पैनल यहां पर आपको दिया गया है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट यहां पर आपको मिलता है, 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट है, HDR 10 प्लस सर्टिफाइड डिस्प्ले और साथ ही साथ 1300 निट्स की ब्राइटनेस यहां पर आपको मिलती है। वहीं पर अगर हम बात करें इन्फिनिक्स 020 की तो यहां पर आपको 6.7 इंचेस का डिस्प्ले दिया गया है, फुल एचडी प्लस का रेजोल्यूशन है, एमोलेड पैनल यहां पर आपको मिलता है 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में एंड HDR का सर्टिफिकेशन यहां पर आपको नहीं देखने को मिलता है। G72 में आपको सेंटर पंचोल वाला डिस्प्ले दिया गया है, यहां पर आपको वाटर ड्रॉप नॉच देखने के लिए मिलती है एंड कंटेंट वॉचिंग के एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो दोनों में कंटेंट वॉचिंग का एक्सपीरियंस बढ़िया है, लेकिन कलर्स जो हैं आपको G72 के अंदर कहीं ज्यादा बेटर देखने के लिए मिलते हैं। जो ब्लैक्स की प्रोफाइल है वो G72 की ज्यादा ब्लैक है, एकदम डीप ब्लैक्स यहां पर आपको मिलते हैं। इस फोन में थोड़ी सी ग्रेइश प्रोफाइल आपको देखने के लिए मिलती है एंड ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंटेंट वॉचिंग का एक्सपीरियंस जो है वो आपको बेटर मिलता है मोटोरोला G72 के अंदर। इसके बाद में ब्राइटनेस की अगर बात करें तो G72 की जो ब्राइटनेस है इसके कंपैरिजन में कहीं ज्यादा है। डायरेक्ट सनलाइट में दोनों फोन्स प्रॉपरली विजिबल रहते हैं, लेकिन G72 की जो ब्राइटनेस है डायरेक्ट सनलाइट में थोड़ी सी और ज्यादा बेटर रहती है। रिफ्रेश रेट की अगर बात करेंगे G72 में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है एंड यहां पर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है इन्फिनिक्स 020 के अंदर। तो समझ ही सकते हैं भाई कि रिफ्रेश रेट के मामले में कौन सा फोन बेटर है। तो ओवरऑल अगर बात करें डिस्प्ले के मामले में तो G72 के अंदर स्टेलर डिस्प्ले आपको मिलता है, सीरियसली बहुत तगड़ा डिस्प्ले यहां पर दिया गया है। डिस्प्ले इस फोन में भी अच्छा है लेकिन इस फोन का जो डिस्प्ले है G72 का ये बहुत ज्यादा आगे है। डिस्प्ले के मामले में अगर आपको फोन लेना है G72 इस सेगमेंट में मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट डिस्प्ले के साथ में आता है, डेफिनेटली आप परचेस कर सकते हैं। नाउ परफॉर्मेंस की अगर बात करेंगे तो दोनों ही फोन के अंदर आपको G99 चिपसेट दिया गया है, 6 नैनोमीटर का चिपसेट है, दोनों ही फोन बढ़िया परफॉर्म करते हैं, थर्मल थ्रॉटलिंग का इशू आपको दोनों फोन्स में देखने के लिए नहीं मिलता है। G72 के बेंचमार्क स्कोर्स को अगर कंपेयर करें इन्फिनिक्स 020 के साथ में तो एंटूटू स्कोर G72 का आता है 361,000 के आसपास ऑन एन एवरेज, वहीं पर इस फोन का 020 का जो एंटूटू स्कोर आता है वो आता है 375,000 के आसपास, तकरीबन 14,000
पॉइंट से लीड करता है इन्फिनिक्स 020। इसके बाद में गीकबेंच स्कोर्स की भी अगर बात करें तो G72 का जो सिंगल कोर का स्कोर आया है वो आया है 536 पॉइंट्स के आसपास एंड मल्टी कोर आता है 1755 के आसपास। वहीं पर इन्फिनिक्स 020 का जो स्कोर है वो आता है 549 पॉइंट सिंगल कोर में एंड 1796 पॉइंट्स मल्टी कोर में। मतलब गीकबेंच के हिसाब से भी थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस आपको मिलती है इन्फिनिक्स 020 के अंदर। नाउ प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस की अगर बात करें, यहां पर G72 की जो परफॉर्मेंस है वो मुझे कहीं ज्यादा बेटर लगी इन्फिनिक्स 020 के कंपैरिजन में, कर्टेसी स्टॉक एंड्रॉइड, क्योंकि यहां पर आपको कोई ब्लोट नहीं मिलते हैं, कोई बग्स आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं, स्नैपी एक्सपीरियंस रहता है। सो डे टू डे के जो एक्सपीरियंस है वो यहां पर आपको बेटर मिलते हैं G72 के साथ में। यहां पर आपको फीचर्स काफी सारे मिलते हैं इन्फिनिक्स 020 के अंदर, लेकिन क्लटरी सा एक्सपीरियंस रहता है भाई, यहां पर आपको बग्स भी देखने के लिए मिलते हैं। एंड परफॉर्मेंस की अगर बात करें प्रैक्टिकली तो G72 की परफॉर्मेंस प्रैक्टिकली मुझे बेटर लगी है डे टू डे की परफॉर्मेंस, लेकिन गेमिंग की परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो यहां पर इन्फिनिक्स 020 के अंदर आपको बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा एज कंपेयर टू मोटोरोला G72। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए इन ऑल टोटल, अगर आपको डे टू डे यूसेज ज्यादा है, नॉर्मल गेमिंग अगर आप करते हैं तो आप G72 परचेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गेमिंग प्रायोरिटी है आपकी एंड डे टू डे यूसेज सेकंड प्रायोरिटी है तो आप इन्फिनिक्स 020 भी परचेस कर सकते हैं। दोनों में आपको LPDDR 4X का रैम मिलता है, बढ़िया रैम मैनेजमेंट आपको मिल जाता है, दोनों ही में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन ऑल टोटल अगर देखा जाए डे टू डे की परफॉर्मेंस के लिए G72 एंड गेमिंग अगर आपकी प्रायोरिटी है तो इन्फिनिक्स 020 आप परचेस कर सकते हैं। नाउ कैमरास की अगर बात करेंगे तो G72 का जो कैमरा है वो ट्रिपल कैमरा सेटअप पीछे की तरफ है, 108+8+2 मेगापिक्सल के तीन कैमरास यहां पर दिए गए हैं, 16 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा मिलता है। यहां पर अगर बात करेंगे तो 108+13+2 मेगापिक्सल के तीन कैमरा आपको पीछे की तरफ मिलते हैं एंड फ्रंट में आपको 60 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है OIS के साथ में। नाउ वीडियोस के मामले में डेफिनेटली इन्फिनिक्स 020 बेटर है, यहां पर आपको काफी स्टेबल वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं, नॉट ओनली फ्रॉम बैक कैमरा में आपको EIS मिलता है, फ्रंट कैमरा में आपको EIS+OIS दोनों देखने के लिए मिलते हैं। इन वीडियो के मामले में 020 कहीं ज्यादा बेटर है G72 के कंपैरिजन में, लेकिन स्टिल फोटोग्राफी की अगर बात करें तो G72 की जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ज्यादा बेटर निकल के आती है 020 के कंपैरिजन में। कलर्स, डायनामिक रेंज, डिटेल्स वगैरह सारी चीजें G72 का जो कैमरा है वो बेटर प्रोवाइड करता है। अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस की बात करें तो यहां पर 020 में 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, यहां पर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। सो मेरे हिसाब से रेयर कैमरा आउटपुट G72 के स्टिल फोटोग्राफी में बेटर है। नाउ सेल्फी कैमरा की अगर बात करेंगे तो G72 का जो सेल्फी कैमरा है वो बढ़िया है, डिटेल्स की थोड़ी सी कमी मेरे को लगती है, लेकिन यहां पर जो 60 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है इसमें डिटेल्स की आपको कोई भी कमी देखने के लिए नहीं मिलेगी एंड सेल्फीज बहुत अच्छी निकल के आती हैं, स्किन टोन बहुत अच्छे रहते हैं, नेचुरल के आसपास के स्किन टोन यहां पर आपको मिलते हैं एंड ओवरऑल इमेज की जो क्वालिटी रहती है वो बढ़िया रहती है। सो सेल्फी कैमरा के मामले में डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूंगा कि इन्फिनिक्स 020 परचेस किया जाए। व्लॉगिंग वगैरह भी अगर आपको करनी है तो इन्फिनिक्स 020 के साथ में आपकी बेटर हो जाती है। इन ऑल टोटल वीडियोस के मामले में 020, सेल्फी के मामले में 020, रेयर कैमरा अगर आप ज्यादा यूज करते हैं तो G72 आप परचेस कर सकते हैं। इसके बाद में बैटरी की अगर बात करेंगे, यहां पर आपको मिलती है 5000 एमएएच की बैटरी G72 के साथ में, 33 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट है, 33 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर दिया गया है। यहां पर आपको थोड़ी सी छोटी बैटरी मिलती है 020 के अंदर, 4500 एमएएच की बैटरी है, लेकिन 45 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है, चार्जर बॉक्स के अंदर मिलता है। G72 को चार्ज होने में लगते हैं 1 घंटे 10 मिनट के आसपास, 020 को चार्ज होने में लगते हैं लगभग 50 मिनट के आसपास। बैटरी बैकअप की अगर बात करें तो दोनों फोन आपको एक दिन से ज्यादा बैटरी बैकअप निकाल करके दे देते हैं। बैटरी बैकअप के मामले में मोटोरोला G72 जो है वो थोड़ा सा बेटर है, तकरीबन 7 घंटे के आसपास, 7.5 घंटे के आसपास आपको स्क्रीन ऑन टाइम देता है। ये जो फोन है आपको 6.5 से 7 घंटे के आसपास का स्क्रीन ऑन टाइम देता है। सो यस, बैटरी बैकअप के मामले में G72 थोड़ा सा बेटर है, लेकिन फास्ट चार्जिंग के मामले में 020 बेटर है। इसके बाद में स्पीकर्स की अगर बात करेंगे तो दोनों में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं, लेकिन G72 के साथ में आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है एंड ऑडियो क्वालिटी डेफिनेटली G72 में मुझे बेटर लगी, थोड़ी सी ज्यादा बैलेंस्ड ऑडियो यहां पर सुनाई देता है। ये वाला जो फोन है 020 ये लाउड है, लेकिन बैलेंस्ड ऑडियो यहां पर आपको उतना ज्यादा नहीं मिलता है जितना आपको G72 के अंदर देखने के लिए मिलता है। इन ऑल टोटल जो म्यूजिक की ट्यूनिंग रहती है, जो ऑडियो की ट्यूनिंग है, वो G72 में आपको बेटर मिलती है। सो यस, ऑडियो वाइज G72 बेटर स्मार्टफोन है। नाउ फिंगरप्रिंट स्कैनर की अगर बात करेंगे तो यहां पर आपको 020 में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने के लिए मिलता है, जो कि बढ़िया तरीके से काम करता है, फास्ट है, एक्यूरेट है, कोई दिक्कत नहीं है। G72
G72 में आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, जो भी काफी अच्छे तरीके से काम करता है, फास्ट अनलॉक कर देता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर रहता है साइड माउंटेड के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्लो रहता है। तो यहां पर जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो यहां पर आपको स्लो मिलता है G72 के अंदर, लेकिन अंडर डिस्प्ले होने के कारण एक प्रीमियमनेस फोन में ऐड हो जाती है। ये एक खासियत है इस फोन की G72 की। फेस अनलॉक आपको दोनों में मिलता है, बढ़िया तरीके से काम करता है। इसके बाद में अगर बात करेंगे OS के बारे में तो यहां पर तो भाई साहब क्लियरली विनर G72 निकल के आता है, क्योंकि Android 12 यहां पर आपको मिलता है, MyUX यहां पर आपको देखने को मिलता है, कोई ब्लोट नहीं, कोई एड्स नहीं, कुछ भी नहीं, क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस आपको मिलता है, एंड स्नैपी एक्सपीरियंस है भाई साहब, डे टू डे की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देता है, एंड कोई UI लैग्स वगैरह आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ अगर बात करेंगे Infinix Zero 20 की तो Android 12 यहां पर भी आपको दिया गया है, लेकिन XOS 12 के साथ में आता है, ब्लोटवेयर्स भर भर के यहां पर आपको मिलते हैं, ढेर सारे ब्लोटवेयर्स हैं, इंस्टॉल भी नहीं होते हैं, एंड इन ऑल टोटल जो एक्सपीरियंस है G72 के कंपैरिजन में वो उतना बेटर नहीं रहता है Infinix Zero 20 के साथ में। लेकिन ऑन द अदर हैंड G72 में कभी कभी आपको फीचर्स की कमी देखने को मिलती है, लेकिन ये जो UI है XOS 12 ये फीचर रिच UI है, ढेर सारे फीचर्स के साथ में आता है। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा UI पसंद आता है। पर्सनली अगर देखा जाए तो G72 का क्लीन एक्सपीरियंस मुझे थोड़ा सा ज्यादा पसंद आता है। इसके बाद में कॉल क्वालिटी की अगर बात करेंगे तो दोनों ही फोन्स के साथ में आपको सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक देखने के लिए मिलता है, एंड कॉल क्वालिटी दोनों ही फोन की बहुत अच्छी है, कोई भी दिक्कत आपको कॉलिंग में नहीं आएगी। नेटवर्क की अगर बात करेंगे दोनों ही फोन 4G नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं, 4G+ दोनों ही फोन में मुझे अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है। बाकी नेटवर्क की अगर बात करें तो नेटवर्क रिसेप्शन वगैरह दोनों फोन के अंदर आपको बढ़िया मिल जाता है। ये जो स्मार्टफोन है 6+128 आज की तारीख में मिल रहा है 14,999 रुपए का, ये स्मार्टफोन आपको मिलता है 15,999 रुपए का। सीधी बात नो बकवास अगर किया जाए 15,000 के प्राइस पॉइंट पर G72 बेटर ऑप्शन है Infinix Zero 20 के कंपैरिजन में, लेकिन अगर आपको बढ़िया सेल्फी कैमरा लेना है तो आप Infinix Zero 20 की तरफ जा सकते हैं। ये हो गई सीधी बात नो बकवास, G72 जो है इस फोन के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा बेटर है अगर आपको मिलता है 15,000 के प्राइस पॉइंट पर। आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन ज्यादा बेटर है, कमेंट करके अपनी राय जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।